अनुपमा में आगे दिखाई जाएगा कि पाखी कापड़िया हाउस में हंगामा करती है। डिम्पी और टीटू को साथ देखकर वो अनुपमा को ताने देती है कि आपकी लाडली बहू देर रात टीटू के साथ गुलचर्रे उड़ा रही है, प्रेग्नेंट है और विधवा है, लेकिन उसके अरमान कम नहीं हो रहे हैं। पहले को अनुपमा को यकीन नहीं होता, लेकिन अधिक बताता है कि पाखी सच बोल रही है। अब पाखी बाव और बापूजी को भी चिल्ला चिल्ला कर बुला लेती है। अनुपमा कहती है कि उसे डिम्पी पर पूरा भरोसा है और अगर डिम्पी खुद जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो उसका पूरा साथ देगी। पाखी को लगता है कि अनुपमा डिम्पी का साथ दे रही है और वो उसे अनुपमा देवी घोषित कर देती है और अनुपमा से बदसलूकी करती है। अनुज पाखी को डांटने लगता है और अनुपमा वादा करती है कि वो डिम्पी से इस बारे में बात करेगी। ती देवी मामले में नया एंगल निकाल देती है और टीटू को विलेन बनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बेचारी डिम्पी भोली है, सुंदर है और अकेली भी है। अब टीटू को भी मौका मिल गया है उसे फंसाने का। इसमें डिम्पी की गलती नहीं है और अगर अब दोनों के बीच कुछ है तो दोनों को शादी कर दो। शादी की बात सुनकर बा फट जाती है। वो चिक कर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।